हे भगवान, क्या करें हम? यहां कैसे रहें? शौर्य का क्या होगा? शौर्य को लेकर अब हम कहां जाएंगे? मम्मा, हम यहां क्यों बैठे? चलो हम अंदर चलते। हाँ चलो ना, प्लीज चलो ना, चलो ना मामा, प्लीज। एक काम करते हैं, मम्मी को फोन करते हैं। कुछ दिनों के लिए शौर्य को अपने पास रख लेंगी और तब तक कोई ना कोई अरेंजमेंट तो हम कर ही लेंगे। ये फोन बंद क्यों है? इसकी बैटरी भी चली गई। हे भगवान, अभी तक गौरव की कोई खबर नहीं आई है। मतलब जरूर हमारी बच्ची मिली नहीं अभी तक। ये भगवान, जहां भी हो उन्हीं को सलामत रखना। भगवान करे वो ठीक हो। मम्मी, हम गौरव भैया को फोन करके देखे क्या? हाँ बेटा, फोन लगाओ, देखो तो कहाँ है। उर्मी, 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 कहाँ है आपकी बेटी? बुलाइए उसे बाहर। बहुत हो गया ड्रामा, कहाँ है? बुलाइए बड़ी। उर्मी बाहर आओ। सम्राट, सम्राट बेटा बाहर आइए। सम्राट बेटा, मेरे पास। सम्राट बेटा, उर्मी यहाँ कहाँ से होगी? हम कहे थे ना आपसे कि उर्मी को निकले काफी टाइम हो गया यहाँ से। झूठ मत बोलिए, पागल समझ रखा है मुझे। I'm not mad. जो कुछ भी बोलेंगे मान जाऊंगा मैं। अच्छी तरह पता नहीं बेटी को अंदर छिपा के रखा हुआ, बाहर निकाली उर्मी को। उर्मी बाहर आओ भाई, बहुत आ गया ड्रामा। सच में दमाजी, लगता है आप पागल हो गए। जो ये जानने के बाद कि हमने उर्मी को इस घर से भेज दिया था आपके पास, आप यहाँ आकर इस तरह चिल्ला रहे? हाँ हो गया हूँ पागल, बुलाइए उर्मी को बाहर। चलिए सरोज, जबान संभाल के बात करो। जब से देख रहा हूँ फोन नहीं लग रहा, फोन नहीं उठा रही। बस पागल बैठे हम यहाँ पर 4 घंटे से वेट करें। बुलाइए उर्मी बाहर आओ। अरे सम्राट जी, आप हमें स्मार्ट कहे थे ना, हाँ? कम से कम हमारी बात में तो विश्वास कीजिए। अरे उर्मी दीदी यहाँ नहीं है। हाँ, अब हम सब लोग आपसे झूठ काहे बोलेंगे? डर के मारे इन्हें बोल दिया था ना मैंने, इसलिए सोचा बना दो इसे बेवकूफ। है कि नहीं? बेटी तो बस की है नहीं इनकी, पता नहीं कैसे बाप है। पहली जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा, अपनी बेटी कंट्रोल में नहीं। बताओ कई संस्कार दिए उसे, पता नहीं आपको अपनी बेटी का आपकी। हाँ जी सम्राट बेटा, हम तो सच में खुद ही परेशान है कि पता नहीं कहाँ चली गई उर्मी। ठीक है, मैंने एक बार आपकी बात मान भी ली कि चलो आपने उसे यहाँ से भेज दिया होगा, तो मेरे घर क्यों नहीं पहुंची वो? कहाँ चली गई, कौन निकल गया उसे? दो ही ठिकाने ना पूरी झांसी में उसके, एक कौन सी जगह, शिवाजी नगर और एक सिविल लाइन, और कहाँ जाएगी वो? और यहाँ से निकलने के बाद अगर उसका मूड बदला भी होगा तो वापस लौट के यहीं आएगी वो, और आप लोग उसे मुझसे छिपा रहे हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। बोला उसे बार उर्मी, मैं खुद ही देखता हूँ। उर्मी बेकार का तमाशा मत कीजिए। उर्मी क्या कर रहा है? रुको अनु, उर्मी तसल्ली कर लेने दो इन्हें। अगर घर में से नहीं निकली उर्मी तो घर के बर्तन, घर के भांडों में से जरूर मिल जाएगी इन्हें उर्मी। अब क्या होगा दैया? हे राम, लगता है उर्मी दीदी के बेहोश में ना सनक गई है उनकी आंख और आ गए एकदम। उर्मी अब बताइए बर्तन में कैसे समा सकती है उर्मी दीदी? सॉरी, अरे कहाँ है उर्मी? अंदर कमरे में भी नहीं है। कहाँ है उर्मी? क्या पूरा घर छान मारा का है क्या आपकी बेटी? वही तो हम कह रहे थे आपसे सम्राट जी कि उर्मी यहाँ नहीं है। सलीक यार, माँ बाप आपको पता नहीं उनकी बेटी कहाँ है? कैसे माँ बाप है यार? हो गई तसल्ली कि उर्मी यहाँ नहीं है? तो कहाँ गई आखिर? क्यों मम्मा, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? बच्चा यहाँ सिर्फ मम्मी को रहने के लिए अलाउ कर रहे हैं, बच्चे अलाउड नहीं है। तो फिर मम्मा हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? एक काम हो सकता है शौर्य। क्यों मम्मा? बच्चा ऐसा करते हैं, मम्मा कुछ दिन यहाँ रहेंगी और आप नानी के पास रहना। फिर जैसे मम्मी को कुछ अच्छी जगह मिल जाएगी रहने के लिए, मम्मा तुरंत आपको अपने पास बुला लेंगी। हुँ? कैसा रहेगा? नो मम्मा, मुझे आपके पास रहना है, नानी के पास नहीं रहना।
बच्चा कुछ दिन की तो बात है, ये लोग आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, मम्मी क्या करें? तो चलो ना मामा पापा के पास चलते हैं। तो मैं आपके पास ले पाऊंगा ना। नहीं शोर, मम्मी वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? कहा ना शौरी, हम वहां नहीं जा सकते। पापा तो कहते आप लेकर जाओगे वहां। एक बार कह दिया आपसे कि वहां नहीं जा सकते तो बहस मत कीजिए आप। मामा चलो हमारे घर, पापा सभी तो रहते दादाजी दादी मंदेरा, तो हम हमारे घर क्यों? बस आपको एक बार कहा ना शौर्य के हम वहां नहीं जा सकते, बहस मत कीजिए। पूरी दुनिया वहां रह सकती है शौर्य, लेकिन आपकी मां नहीं। सॉरी बच्चा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं आप? I'm sorry. रो मत प्लीज। आप प्लीज कुछ दिन नानी के पास रह लीजिए, फिर मम्मी जल्दी से कुछ ना कुछ इंतजाम करेगी आपको अपने पास रखने के लिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप शोर? ऐसी बात कभी मत करना। चाहते तो हम भी यही है शौर्य। मम्मी क्या करेगी, क्या आपको रहने नहीं दे रहे? मम्मा प्लीज मुझे आपके साथ ही रहना। आप बिल्कुल मत रोइए, आप मम्मी की बेस्ट बॉय हो ना। मम्मा आपको कहीं नहीं भेजेगी, अपने पास ही रखेगी, कहीं नहीं जाएगा हमारा शौर। चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप। किसे घुमा रही है आपकी बेटी? सबको देखा आपने? बाय गॉड, मतलब जीना हराम कर दिया उसे एक औरत ने सबका। तो मिल जाना फिर देखें मैं क्या करता हूं। भैया, गौरव भैया, मिली आपको दीदी? बताओ ना कहाँ है दीदी? कुछ पता चला बेटा? नहीं माँ, उसकी सहेलियों के वहां जान पहचान वालों के वहां सब जगह देख लिया, पर पता नहीं कहां है वो। इतना याद रखिए आप सब लोग, अगर उर्मी की वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं मैं। अगर तुम्हारी वजह से उर्मी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये तुम याद रखना। हेलो। हेलो मम्मी। उर्मी बेटा तुम कहाँ हो, कैसी हो, ठीक हो? मम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं, और शौर्य भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह कहाँ है आप इस वक्त? मैंने पूछा कहाँ है आप इस वक्त?
मुझे बेवकूफ बना रही है, मेरे बेटे को लेकर चले गई आप। अभी कभी बताइए कहाँ है, कहाँ आप, अभी कभी ठिकाना बताइए अपना आप। जी मत भूलिए मेरा बेटा आपके साथ है। कोई नाटक नहीं चाहिए, चुपचाप बताइए कहाँ पर है, वरना मैं आपकी बुआरत करूंगा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा आपको, बता रहा हूं मैं आपको। कहाँ है का मेरा बेटा? शौर्य हमारा भी बेटा है और आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हम हैं, तो आपको शौर्य की फिक्र करने की या चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है सम्राट जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान किसी और को दीजिए आप। बढ़िया रिस्पॉन्सिबल बन रही है, पर आप है कहाँ इस वक्त, ये बताइए मुझे आप, आप है कहाँ? हेलो 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 हेलो, मैं छोड़ूंगा नहीं सर, बता रहा हूं मैं आपकी बेटी को। चिंदी चिंदी कर दूंगा आपकी बेटी को, याद रखिएगा। अगर नहीं किया ना, मेरा नाम सम्राट सिंह राठौड़ नहीं, लाख जतन करके फिर भी खुद को बटोर नहीं पाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। अरे सम्राट गौरव शांत हो जाओ तुम, उनका गुस्सा करना जायज है। अरे तुम्हारी बहन ने हरकत ही ऐसी की है। मामा रेडी, गेम शुरू करे। शौर्य आपको डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं मामा, चलो ना मामा, मैं अंदर जाऊं। ढक्कन खोलो ना। मम्मा क्या सोच रही हो? जल्दी करो, लेट हो जाएगा। मम्मा जल्दी करो ना, लेट हो रहा है, लेट। मम्मा जल्दी करो, कोई देख लेगा। मुझे अंदर घुसाओ मम्मा, प्लीज मुझे अंदर घुसाओ। गेम छोड़ो। शौर्य मामा मुझे बहुत मजा आ रहा है, जल्दी से थकन मत को तो, नहीं तो कोई देख लेगा। अरे क्या हो मामा, थकन बंद करो ना। मामा मैं सीधा काउंट करूंगा, आप बंद कर देना। 1 2 3। अरे मामा बंद करो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। गेम कब शुरू होगा पता है? जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा, मैं सबको देख लूंगा, कोई मुझे देख नहीं पाएगा। मैं घुसता हूँ। ओहो मामा मेरे ऊपर चादर डाल दो, ये तो कोई देख लेगा फंस गए, तो गेम भी खराब हो जाएगा ना हमारा। बेटा आपको डर तो नहीं लगेगा ना अंदर? कौन मामा, मैं बड़ा हो गया हूँ। जल्दी से ताला नहीं तो कोई देख लेगा। बच्चा आप ठीक है? बस क्लास हो, गेम शुरू।
चौरिया आप मामा को सुन सकते हैं ना? मैं आपको सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। चलो मुझे चलो। अरे बोला ना मैंने किसी को नहीं पता कहाँ गई हो। हे भगवान, है इसका मतलब भाग गई और वो भी हमारे पोते के साथ। बाप रे बाप, एक बच्चे की माँ है फिर भी भागने का शौक है, देखो। अरे भाग कर जाएगी कहाँ, यहीं कहीं छिपी बैठी है बता रहा हूँ मैं आपको। पर कब तक छिपी रहेगी, कभी तो बाहर आना पड़ेगा ना चुहिया को अपने बिल से, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। सारे दांत तोड़ दूंगा मैं उसके, फिर बिल बनाने लायक भी छोड़ूंगा मैं। बेटा इसकी तो हिम्मत ही बढ़ती जा रही है, देखो। ए, कभी सोचा था जब बित्ते भर की मौड़ी ऐसे गुल खिलाएगी है? खिलाने दीजिए, जितने गुल खिलाने हैं करने दीजिए जो करना है, लेकिन सम्राट सिंह राठौर से बच के जाएगी कहाँ? पताल में क्यों ना छुपिया, वहां से ढूंढ निकालूंगा मैं उसे, और फिर मैं उसे चूसा हुआ गन्ना बना डालूंगा। चूसा हुआ गन्ना जो सिर्फ जलाने में काम आता है, और फिर शौक से जिंदगी भर जलाऊंगा उसे। अरे भैया सुनिए। जी मैडम। हमारा सामान थोड़ा भारी है और साथ में भी बहुत सारा सामान है, तो आप थोड़ी मदद कर देंगे, ऊपर तक पहुंचा देंगे। आपको कौन सा रूम अलॉट किया? रूम नंबर 216 है। 216? बाप रे बाप, दूसरे माले पे? अरे ठीक है मैडम, ले जाएंगे ना भैया। जी ले जाएंगे। भैया सुनिए, थोड़ा आराम से ले जाइए। जी। इसमें शीशे का सामान है, हमारे लिए बहुत कीमती है। आप सामान लेकर इसमें लेके। अरे मैडम बहुत भारी है, बहुत वजन है, क्या भरा है इसमें? अरे मैडम बहुत भारी है, बहुत वजन है, क्या भरा है इसमें? हमने आपको बताया था ना भैया कि इसमें शीशे का सामान है और हमारी कुछ किताबें भी हैं, घर के बर्तन वगैरह हैं, तो थोड़ा भारी हो गया है। ठीक है, हम लेके जाते हैं, आप जो सामान लेके आइए। हम आपकी कोई मदद करेंगे। आप सामान लेके आइए, मैं लेके बहुत आराम से लेके जाएगा भैया, आप सामान, सामान है जी। आप एकदम आराम से रोक रोक के चलिएगा, आप जरा ध्यान से आराम करके चलिएगा। आराम आराम से चलिए भैया। अरे आप यहीं रहती हैं? वो हमारा कुछ भारी सामान है, आप नीचे मत रखिएगा भैया, ऊपर आराम आराम से चलिए प्लीज। हम आज इधर आए हैं ना, तो हमारा सामान है थोड़ा भारी है, आप भैया थोड़ा आराम से, जल्दी नहीं है हमको, आराम से, बहुत कीमती सामान है ना हमारा इसमें। धीरे 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 बस। मैडम चाबी दो, दरवाजा खुल रहा है।